इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ब्रेकअप। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। कुछ वक्त से पार्टनर से चल रहा था विवाद। G20 के दौरान भारत में खूब हुई थी तारीफ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इटली से, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर, जो अपने बेबाक और सख्त अंदाज के लिए, सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि G20 सम्मेलन से पहले भारत में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उन्हें जानते थे, लेकिन G20 के बाद से भारत में भी वो खासी लोकप्रिय हुई थी। लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि जॉर्जिया मेलोनी अपने पार्टनर एंड्रिया से अलग हो गई हैं। अब आज 20 अक्टूबर को उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। हालांकि उनके ब्रेकअप की वजह उनके पति का एक कमेंट बताया जा रहा है। उनके पति एक पत्रकार हैं और उन्होंने कोई सेक्सिस्ट कमेंट किया था, जो विवाद भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए जॉर्जिया मेलोनी ने इस रिश्ते को खत्म करते हुए क्या लिखा है। जॉर्जिया लिखती है, एंड्रिया गियाम्ब्रूनो के साथ मेरा रिश्ता करीब 10 साल तक चला, अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। बीते कुछ समय से हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके थे, अब इसे स्वीकार करने का समय आ गया है कि हम साथ नहीं रह सकते। आपको बता दें, दोनों की मुलाकात साल 2015 में एक टीवी के शो के दौरान हुई थी और दोनों की एक 6 साल की बेटी भी है जिसका नाम है जेनेवरा। अब आप ये भी जान लीजिए कि जॉर्जिया मेलोनी है कौन। कौन है जॉर्जिया मेलोनी? जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया इटली की दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता हैं। महज 31 साल की उम्र में जॉर्जिया इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। अपने बयानों और दक्षिणपंथी रुझान के लिए वो काफी चर्चा भी बटोरती रहती हैं। जॉर्जिया खुद को मुसोलिनी का वारिस बताने और LGBT कम्युनिटी के विरोध के लिए भी चर्चा में रही हैं। मुसलमानों को इटली के लिए खतरा बता चुकी हैं। G20 सम्मेलन में जॉर्जिया भारत आई थी तो उनकी काफी चर्चा हुई थी। अब आप वो विवाद भी जान लीजिए जिस वजह से दोनों का 10 साल का रिश्ता खत्म हो गया। टीवी के जाने पहचाने चेहरे एंड्रिया ने इस साल अगस्त में अपने शो में बलात्कार पर टिप्पणी की थी। रेप के केस पर बात करते हुए उन्होंने पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। उन्होंने कहा था, जब आप डांस करने जाते हैं तो आपको नशे में होने का पूरा अधिकार है। अगर आप नशे में होने और बेहोश होने से बचते हैं तो शायद आप कुछ चीजों से बचेंगे। मतलब एंड्रिया का कहना था कि अगर कोई लड़की नशे में है तो उसे तब भी अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा नशे में हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और शायद यही कहना था एंड्रिया का कि उसके जिम्मेदार फिर आप खुद भी हो सकते हैं। इसी बयान के बाद से दोनों के बीच तल्खी बढ़नी शुरू हो गई थी और नतीजा ये हुआ कि आज दोनों का ब्रेकअप हो गया। खैर, आप जॉर्जिया के पति के बयान पर और जॉर्जिया के इस ब्रेकअप पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।